हेलो बच्चों की तो आज हम एक लेक्चर नंबर नए 6 में स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, ठीक है। उसमें तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मॉस बाई वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लीजिए, साथ में घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा बच्चों, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके चलिए सीखते हैं। जैसे देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यानी वेट भी है और वॉल्यूम भी है। तो क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई आपने विलयन बनाया, विलयन में आपका क्या है, विलेय विलेय होगा कुछ न कुछ, और इस विलेय के साथ विलायक भी होगा, है ना। अब विलयन का, जब विलेय और विलायक आप मिलाएंगे तो विलयन का कुछ ना कुछ आयतन होगा जो विलयन बनेगा, यानी इसलिए परसेंटेज ऑफ वेट बाई वी कैसे निकालेंगे। देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक है। यानी इस विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना होगा, और उसमें यदि भाग दे देते हैं विलयन के आयतन से, और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुणे 100 भी करना होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप आसानी से किसी भी विलयन की सांद्रता के पद की गणना कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना आप इस फार्मूला से आसानी से कर सकते हैं। ओके अब इसमें, अब वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं विलयन की सांद्रता के जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या सीखा था, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, दूसरा आयतन प्रतिशत निकालना, और तीसरा आज हम लोग सीख रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में हमें यदि दिया गया है, यदि समझ मानिए कि 30% आपका वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 30%, मान लीजिए कोई क्वेश्चन से यदि न्यूमेरिकल आता है, यदि ऐसे दिया हो आपको कि 30% वेट बाई भी है, तो इसका मतलब क्या होगा। वेट बाई वी का मतलब यही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 30 ग्राम विलेय उपस्थित है, 30 ग्राम देख रहे हैं। अब देखिए ये W बाई 30% W बाई वी दिया हुआ है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम वेट है, विलेय उपस्थित है किसमें, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन सब का न्यूमेरिकल्स, यदि ये आप निश्चित कर लिए ना तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे कि यदि 30% वेट बाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml विलयन में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।